वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो, या तो इंटरनेट से या मेरे वीडियोस से या कपिल शर्मा के शो के वजह से आपको एक बात तो पता चल गई है कि डोरेमोन इस फेमस कैरेक्टर के पीछे किसकी आवाज है। कुछ बताओ ना करके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन, नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या बात है। लेकिन डोरेमोन कार्टून सीरीज में बहुत से किरदार है जिनकी लाइव डबिंग आप इस वीडियो में सुनेंगे और देखेंगे भी। तो शुरुआत करते हैं डोरेमोन की इस क्यूट सी वॉइस से। हाँ, वो इतनी स्वादिष्ट है कि उसे देखकर ही खाने का मन करता है, बल्कि सुनकर भी खाने का मन करता है। नोबिता की सबसे अच्छी और केयरिंग दोस्त शिजुका और सुनियो की शो ऑफ करने वाली मदर को एक ही वॉइस एक्टर ने आवाज दी है। नाम है पारुल भटनागर। पहले सुनते हैं शिजुका को। नोबिता, मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए केक बना कर रखूंगी नोबिता। हाँ नोबिता, मैं चाहती हूँ कि हर तरह के मौसम के अलग अलग रंगों के फूल हमें हर समय नजर आते रहें। और अब सुनियो की मॉम। ओ मेरा प्यारा बेटा सुनियो, मैं तुम्हारे लिए पोर्शे कार लेकर आई हूँ। मेरा प्यारा बेटा सोनियो। बेटा सोनियो, अगर तुम्हें कोई किडनैप कर ले तो इसमें मुझे कोई भी हैरानी नहीं होगी, मैं तुम्हें पैसा दे के छुड़ा लूंगी। अपनी अमीर माँ का इकलौता थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ बेटा सुनियो, जिसको आवाज दी है मिस्टर वजाहत हसन ने। 5 साल में तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाओगी और उसके बाद तुम मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीतोगी शिजुका। और अब बात करते हैं एक ऐसे वॉइस आर्टिस्ट की जिन्होंने इस शो में 6 कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है, और 6 कैरेक्टर्स को आवाज देने के बावजूद इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। एक्टर एंड वॉइस एक्टर पल्लवी भारती। इन्होंने नोबिता की मदर को, जो हमेशा चिल्लाती रहती है, डोरेमोन तुमने क्या किया, तुम्हें पता नहीं था कि ये डोरा केक मैं अपने गेस्ट के लिए लाई थी और तुमने ये खा लिए। जियान की मदर को, जिनका थोड़ा भारी सा आवाज है। मुझे पता है कि इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। जिंदगी में तुम जो चाहो वो हमेशा तो तुम्हें मिलता नहीं है, पर मेहनत तो हमें करनी ही चाहिए ना जियान। इतना ही नहीं, जियान की सिस्टर को भी पल्लवी जी ने ही अपनी आवाज दी है। नाउ जैको, जियान सिस्टर, हम दोनों आपको खुश करना चाहते थे तो हमने सोचा कि हम अपने एग्जाम्स में पूरे 100 नंबर लेकर आएंगे, क्यों है ना जियान। एक कैरेक्टर है जिससे नोबिता हमेशा जेलस फील करता है, क्योंकि वो नोबिता से ज्यादा होशियार और अक्लमंद है, डेगी सुगी, और उसे भी पल्लवी जी ने ही अपनी आवाज दी है। क्योंकि उन लोगों को कभी कोई फॉसिल्स नहीं मिले, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हमारे देश में डायनासोर थे ही नहीं। डोरेमोन की सिस्टर, जो कभी कभी इस सीरियल में आपको दिखाई दी होंगी, उसे भी पल्लवी जी ने ही अपनी आवाज दी है। सुनाओ डोरेमी, हम ये कैसे करेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, हमें इसे रोकना होगा, पर कैसे। डोरेमोन हमारी मदद करो। शिजुका की मदर को भी पल्लवी जी ही आवाज देती है। आई यूज टू समटाइम्स डू शिजुकाज मॉम ऑल्सो। सुनाओ शिजुकाज मॉम। अरे नोबिता बेटा, तुम बेटा शिजुका तो अपने पियानो क्लास के लिए गई है, अगर तुम चाहो तो तुम उसके वापस आने तक उसके रूम में वेट कर सकते हो। जियान, जो हमेशा नोबिता को सताते रहता है, उसे आवाज दी है मिस्टर दीपांश कक्कड़ जी ने, लेकिन इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया इसलिए इनका वीडियो नहीं है। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, मैं अब तुम्हारे लिए एक गाना गाने वाला हूँ, ठीक है ना। नोबिता के टीचर और नोबिता के फादर, इन दोनों कैरेक्टर्स को एक ही इंसान ने अपनी आवाज दी है, मिस्टर सलीम खान। अरे आप तो तंबाकू की मॉम लग रही है, गलत फहमी हो गई, कैसी है आप, यहाँ पर कैसे। दरअसल मेरे चश्मे का नंबर थोड़ा पुराना हो गया है, माफ कीजिएगा। तुम दोनों ने मिलकर मेरे लिए नया रास्ता बनाया था, मुझे यकीन है तुम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की होगी। फादर्स डे पर तुम्हारा ये गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों को पता है कि सिमरन कौर नोबिता की वॉइस है, नोबिता की वॉइस थी, और क्योंकि वो आजकल टीवी सीरियल्स में ज्यादा बिजी है, उनकी जगह ली है शिनचैन की वॉइस ने, आकांक्षा शर्मा ने। लगता है मुझे भी जाकर खुदाई करनी चाहिए, हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि डेगी सुगी मुझसे आगे निकल जाए, बाद में चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर लिख कर बताओ कि और कौन से कार्टून शो के वॉइस एक्टर्स को आप लाइव सुनना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।